सही बताओ क्या नाम है? राजकुमार नाम है ये तुम्हारा? सच बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? सच बोल क्या नाम है? अरे भाग कहाँ रहे वे? भाग कहाँ रहे? आप क्यों रहा है? नाम बता। नाम क्या बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा पापा जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। हैं? अजीजुर रहमान। अजीजुर रहमान। राजकुमार से बोलते रहते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई कि आपका नाम क्या है, तो उसने अपना नाम राजकुमार बताया। और उनके हाथों में ग्लव्स नहीं थे, मुंह पे मास्क नहीं था। एक 12 साल का बच्चा, 10-12 साल का बच्चा रिक्शा चला रहा था, उसके हाथ में मुंह में भी मास्क नहीं था, ग्लव्स नहीं थे। तो ये तो जो लॉकडाउन के नियम है, कोरोना के जो नियम है, उसका भी उल्लंघन कर रहा था। एक तो अभी कानपुर में जो है 16 सब्जी वाले जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, और लखनऊ में भी एक कोरोना पॉजिटिव सब्जी बेचने वाला पाया गया है। और सरकार को भी जो है जितने भी फेरी वाले हैं सबकी कोरोना जांच कराएं, उनके जो है बेचने वालों के जो है पास बनाएं जिसमें उनकी बकायदा फोटो लगी हो, ऑथराइज हो, उन्हीं लोगों को सब्जी या फेरी लगाने की अनुमति दी जाए। मैंने कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है, और लगातार टेलीविजन के माध्यम से 1.5 माह से यही दिखाया जा रहा है कि जमातियों से कोरोना फैल रहा है। रोज आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि इतने जमाती पकड़े गए, इतने जमातियों की वजह से इतना कोरोना बढ़ गया है। इनफैक्ट स्वास्थ्य मंत्री जी भी आते हैं टीवी पर, वो भी बताते हैं कि जमातियों की वजह से आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं कि जमातियों की वजह से कोरोना फैल रहा है। तो ऐसे में सभी लोग सावधानी बरतने का काम कर रहे हैं। ये वीडियो आप ही का मानते हैं जो वायरल है? मुझे कोई अफसोस नहीं है इसमें। और मैंने कोई ये हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से नहीं, मैंने सिर्फ नाम पूछा था, और जब वो व्यक्ति गलत निकला तो मुझे क्रोध आया, तो मैंने उसको डांटा जरूर है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता हुआ पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रिएक्शन आएगा। सही बताओ क्या नाम है? राजकुमार नाम है ये तुम्हारा? सच बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? सच बोल